क्या नाम है आपका? यश प्रवीण दत्ता। यश प्रवीण दत्ता। क्या काम करते हो आप प्रवीण भाई? मैं चौमोले का काम। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? निवाली रोड। निवाली रोड सेंधवा में रहते हैं? सेंधवा में रहता हूँ। अच्छा, तो आपके बच्चे को कब से तकलीफ है? ये मतलब ऐसा समझो कि 3-4 साल हो गए। अच्छा, पहले धुलिया में मैंने दिखाया। क्या तकलीफ है इसको बच्चे को पहले क्या थी? मतलब दिमाग में मेमोरी प्रॉब्लम। अच्छा, क्या क्या तकलीफ होती थी इससे इसको? जैसे बाथरूम पेंट में कर देता था, खाना अपने हाथ से खिलाना पड़ता था। अच्छा, ये चीज को हाथ लगा, वो चीज को हाथ लगा। अच्छा, और उसको मना करते थे, सुनता नहीं था। और कपड़े वगैरह पहन लेता था? नहीं, कपड़े भी अपने को पिलाना पड़ता था। अच्छा, और खाना वगैरह भी नहीं खा पाता था? नहीं, खाना भी नहीं खा सकता था। अच्छा, और हाथ से खिलाना पड़ता था। अच्छा, और वहाँ पे आपने कहाँ दिखाया था बाहर इसको? धुलिया में दिखाया था। हाँ, अच्छा, कितने टाइम इलाज चला धुलिया में तुम्हारा? मतलब 1.5 साल तक इलाज चला। इलाज चला, वहाँ पे क्या फायदा हुआ आपको? वहाँ पे ऐसा मतलब मेरे को तो कुछ नहीं लगा फायदा। हाँ, लेकिन ऐसी गोली दवाई वगैरह लेते थे तो उसके बाद में ये लड़का ऐसा मतलब सोता था तो ऐसा लगता था कि सोया है कि नहीं है, मालूम भी नहीं पड़ता, सुस्त हो जाता था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कब से आ रहे हो आप? मतलब यहाँ पे 2 साल होने में आ गए। 2 साल होने में ATS सेंटर पे? दो साल से आ रहे हो। आपको क्या फर्क लग रहा है इसको यहाँ चलाने पे? अभी मेरे को मतलब समझो कि 100% में से 70% 80% फर्क पड़ गया। 80% उसके हाथ से सब करने लग गया। हाँ, खाना उसके हाथ से खा लेता है। खाना उसके हाथ से खा लेता है, कपड़े उसके हाथ से पहन लेता है, बाथरूम वगैरह करना नहीं, सब अपन उसको बोल दो, उसके हिसाब से सब कर लेता। अच्छा, अगर टीवी का रिमोट इसके हाथ में दे दिया तो सब चैनल चेंज करके बता देगा अपने को कि क्या करता, मतलब मेमोरी फुल हो गया। बहुत बढ़िया, मतलब मेमोरी मेमोरी। हाँ, क्या चला था बोलो? यूट्यूब भी चलाता है। यूट्यूब भी चलाता है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है तेरा? यश। यश, 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 बहुत बढ़िया। पढ़ने जाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ तो साहिब से आप ATS सेंटर पे जब से आए हैं और आपको मतलब बच्चे को बहुत फायदा है ना, और 1.5 साल से आपकी है, और यहाँ थेरेपी के लिए भी आते हैं आप रेगुलर? दूसरी बार आ रहे हो थेरेपी के लिए, ठीक है ना। आपका मोबाइल नंबर बोलिए। निन्यानवे दो सौ सोलह नहीं 99260 12811 ठीक है ना। ओके।